श्री गोविंद डोटासरा इस बैठक के अंदर मौजूद थे और बेहद महत्वपूर्ण बैठक जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई थी और ये बैठक अब फिलहाल समाप्त हुई है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम आवास पर हुई बैठक समाप्त हुई है, ये बड़ी जानकारी बड़ी खबर। तो रीट को लेकर के सीएम आवास पर यह बैठक हुई, इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की। गोविंद सिंह डोटासरा इस बैठक के अंदर मौजूद थे। और ये बैठक फिलहाल समाप्त हो गई है, यह बड़ी जानकारी मिल रही है। बैठक खत्म हो गई है, इस वक्त की बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बैठक में मौजूद थे और बैठक की समाप्ति की फिलहाल जानकारी मिल रही है, क्योंकि बैठक समाप्त हो गई है। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर। सीएम आवास पर हुई बैठक समाप्त हुई है। रीट को लेकर सीएम आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई। दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी दिनेश। बैठक समाप्त हो गई है फिलहाल, क्या इस बैठक के अंदर निकला? जी देखिए, रिट को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर एक अहम बैठक हुई। करीब एक घंटे यह बैठक चली। शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा के साथ इस मसले को लेकर कई जो है विस्तार से बातचीत हुई कि कहाँ अड़चन है, किस तरह बाधा को दूर किया जा सकता है, वित्त विभाग का क्या बजट है और किस तरह कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें क्या फैसला लिया जा सकता है, इन तमाम मसलों पर बातचीत हुई। हालांकि अभी कोई भी इस मसले को लेकर किसी तरह की बातचीत नहीं करना चाहता। शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा अब अपने आवास पर आ गए, लेकिन मामले में उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है, क्योंकि मामला सीएम और सरकार के लेवल का है। तो एक घंटे बाद प्रेस नोट आएगा, तभी आधिकारिक रूप से साफ होगा कि इस मामले में सरकार ने क्या डिसीजन लिया है, किस तरह जो अड़चने हैं वो दूर की जाएगी। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रेस नोट का इंतजार अब यहाँ पर करना होगा, तभी स्थिति साफ होगी कि आखिर क्या आज अहम फैसला बैठक में हुआ है।